बर्फबारी की तस्वीरें भी आप देख लीजिए। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बर्फबारी ने दस्तक दे दी है। यहां पड़ रही भारी बर्फबारी से पारा एकदम नीचे चला गया है, इससे लोगों की परेशानी बढ़ गई है। सड़क पर बिछी बर्फ की कई इंच मोटी चादर से कई जगहों पर यातायात पूरी तरह ठप हो गया है। हम आपको 8 जगहों की तस्वीरें दिखा रहे हैं, इसमें जम्मू, श्रीनगर, केदारनाथ, कुल्लू, शिमला, लाहौल स्पीति, गंगोत्री, सिरमौर की तस्वीरें शामिल है। और वहीं दूसरी तरफ मौसम की पहली बर्फबारी से सैलानियों के चेहरे भी इस वक्त खिल गए हैं। लेकिन कश्मीर में मौसम के बदले मिजाज ने वहां पहुंचे पर्यटकों का दिल जीत लिया, क्योंकि वहां के मशहूर पर्यटन स्थल गुलमर्ग में चारों तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई दी, जिसकी वजह से आसमान से गिरने वाली बर्फ के बीच पर्यटक अपनी गाड़ी खड़ी कर मस्ती करते नजर आए। देखिए कैसे ये लोग कार पर जमी बर्फ के गोले बनाकर एक दूसरे पर फेंक कर मस्ती कर रहे हैं। जो कश्मीर के बारे में बताते हैं कि कश्मीर द पैराडाइज ऑन अर्थ, सही बताते हैं, एकदम जोरदार है यहाँ की स्नोफॉल। पहला स्नोफॉल तो सबसे खतरनाक है, जोरदार है यहाँ का, मैं तो बोलता हूँ आना ही चाहिए यहाँ पे। बहुत ही बढ़िया महसूस हो रहा है, बहुत ही मस्त, आना ही चाहिए एक बार तो। नागपुर और महाराष्ट्र ज्यादा कोऑपरेटिव है। कैसा एंजॉय कर रहे हो? बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ आके। मौसम की पहली बर्फ से जहां पर्यटकों में खुशी का माहौल है, वहीं कश्मीर में पर्यटन उद्योग के एक बार फिर से पटरी पर लौटने की उम्मीद दिखाई दे रही है। श्रीनगर में मौसम की पहली बर्फबारी हुई, जिससे सड़कों और बेड़ों पर बर्फ की सफेद चादर सी बिछ गई। हर तरफ नजारा सफेद ही दिखाई दे रहा है। हालांकि भारी बर्फबारी के चलते कई पेड़ उखड़ गए। वहीं श्रीनगर के कई इलाकों में टेलीफोन लाइनें भी बर्फबारी की वजह से ठप हो गयी। बर्फबारी हो रही है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही मजा आ रहा है, और जो टूरिस्ट है वो भी वाजी का रुख करेंगे और अपना अपना लुत्फ उठाएंगे। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि इस कश्मीर की जो पहचान है, और व्हेन इट कम्स टू ब्यूटीनेस ऑफ कश्मीर एंड आई फील कि जो बर्फबारी यहाँ पे होती है तो इट्स फर्स्ट थिंग कि जहाँ पे हमारी पहचान लोकेट होती है। हालांकि कई जगह बर्फबारी से सड़कों पर मोटी बर्फ की चादर जम गई, जिसे हटाने के लिए मशीनों का सहारा लेना पड़ा। देखिए कैसे ये मशीनें सड़कों से खुरच खुरच कर बर्फ को हटाने में जुटी हैं और रास्ता साफ कर रही हैं, ताकि लोगों को आने जाने में कोई दिक्कत ना आए। उधर भारी बर्फबारी से मुगल रोड और श्रीनगर लेह राजमार्ग बंद है, और लद्दाख से कश्मीर का सड़क संपर्क पूरी तरह से कट गया है। इस बारे में आपको और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं मेरे सहयोगी आरिश बिलाल। आप देख सकते हैं इस वक्त भी श्रीनगर में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है, और इससे जो सामान्य जीवन है वो अस्त व्यस्त हो गया है। तकरीबन सभी इलाकों में आज सुबह से ही बिजली गुल है, मोबाइल इंटरनेट कनेक्टिव उसमें भी डिस्टरबेंस है, सड़कों पे काफी बर्फ जम गई है जिससे रोड जो है वो स्लिपरी हो गए हैं। हालांकि पर्यटन के हिसाब से देखें तो विंटर टूरिज्म के लिए ये नई रूह फूंकने वाली बात है, क्योंकि काफी लोग जो है वो कश्मीर की बर्फ देखने के लिए आकर्षित होते हैं, लेकिन मकामी लोग जो है उनके लिए ये परेशानियां भी लेकर आता है। अब देखिए सिर्फ कश्मीर ही नहीं, हिमाचल प्रदेश में भी कई जगह मौसम की पहली बर्फबारी हुई, इससे लोगों को भारी तकलीफों का सामना करना पड़ा। बर्फबारी की तस्वीरें लाहौल स्पीति की हैं। चारों तरफ बर्फ के अंबार से ढका ये हिमाचल प्रदेश का लाहौल स्पीति है। भारी तादाद में बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। लाहौल घाटी में यह सीजन का पहला हिमपात हुआ है, जिसकी वजह से बड़ी संख्या में वाहन फंस गए। बर्फबारी के चलते रोहतांग पास बंद हो गया, फिलहाल वहां 1 फीट से ज्यादा बर्फ गिरी है। लाहौल घाटी के कोकसर में भी बर्फबारी हुई है। फिलहाल लाहौल के केलांग और उदयपुर से दिल्ली चंडीगढ़ के लिए चलने वाली सरकारी बसों के पहिए भी थम गए हैं। 2 दिन पहले ही बीआरओ के जवानों ने बर्फ हटाकर रोहतांग पास बहाल किया था, अब फिर से लाहौल स्पीति का देश प्रदेश से संपर्क कट गया है। हालांकि मौसम विभाग ने पहले ही 6 से 9 नवंबर तक पहाड़ों में भारी बर्फबारी की चेतावनी दी थी। इस बीच प्रशासन की कोशिश है कि जल्द से जल्द बर्फ हटाने का काम पूरा हो, ताकि आवाजाही को फिर से शुरू किया जा सके। लाहौल स्पीति के अलावा कुल्लू में भी भारी बर्फबारी देखने को मिली। चारों तरफ सफेद बर्फ का अंबार दिखाई दिया, भारी तादाद में बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है, जिसकी वजह से लोग अपने घरों में रहने को मजबूर दिखाई दिए। बर्फ के साथ तेज हवा भी चली, जिससे ठंड भी बढ़ गई।